नशे के खिलाफ चलाया हस्ताक्षर अभियान, एंटी क्राइम यूथ क्लब द्वारा चलाया गया अभियान। पुलिस अधीक्षक हामिद अख्तर ने शहीद भगत सिंह स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर की अभियान की शुरुआत। पुलिस अधीक्षक ने कहा, नशे के खिलाफ प्रबल प्रहार के आए सकारात्मक परिणाम, नशे के खिलाफ जारी रहेगी मुहिम। सुरेंद्र भाटिया अमर सिंह की देखिए ये रिपोर्ट। सिरसा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाया जा रहा प्रबल प्रहार अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। अब नशे के खिलाफ सामाजिक संस्थाएं भी आगे आने लगी है। आज इसी कड़ी में एंटी क्राइम यूथ क्लब द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। अभियान में शामिल वैन को पुलिस अधीक्षक हामिद अख्तर ने सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन सिरसा के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करेगी। बेसिकली एंटी क्राइम यूथ क्लब जो हमने बनाया है, यहाँ बच्चे मिलकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं और इनमें बड़ी जोश है इस चीज़ को लेकर कि ये नशा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और आज उसी कार्यक्रम के तहत इन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाने का प्रयास किया है। एक छोटी गाड़ी जो है उस पर इन्होंने पोस्टर लगाए हैं और एक बैनर लगाया है प्लेन, जिस पर वो सिग्नेचर करवाएंगे लोगों से और लोगों को अवेयर भी करेंगे नशा के खिलाफ। और एक मुहिम जो इन्होंने छेड़ रखा है और पुलिस ने जो छेड़ रखा है इनके सहयोग से, उसको घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपने इंटेंसिटी देखा है कि 40 दिनों का जो रिकॉर्ड था इनिशियली, हमारा जो रिपोर्ट हमने आपको दिया था उसमें करीब 46 पर्चे हमने दर्ज किए थे और 68 बंदों को हमने अरेस्ट किया था। रिकवरी भी हमारी जो थी बहुत ही अच्छी थी। तो जो हमने एक्शन, पुलिस एक्शन जो हो सकता है, लीगल एक्शन जो हो सकता है, जो हमने नशा के खिलाफ स्टार्ट कर रखा है, वो कंटिन्यूसली उसी इंटेंसिटी के साथ जारी रहेगा। जब ये ग्रुप का, क्लब का एक गठन किया गया था एंटी क्राइम यूथ क्लब का, तो फीमेल विंग बनाया गया, एक मेल विंग बनाया गया। तो फीमेल विंग जो है उसका प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया मुझे, और उसके बाद मेरा कार्य ये दिया गया कि सभी फीमेल्स को, शहर की सभी फीमेल्स को एक साथ लेकर के चलना है, सभी को नशे के खिलाफ में जागरूक करना है। नशे के लिए ही नहीं, साथ ही साथ और भी जो सोशल इश्यूज हैं उनको भी लेकर चल रहे हैं। जैसे मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस चीज़ का एक हिस्सा हूँ, और साथ ही साथ में हमारी टीम जो है, हम साथ में काम करके सिरसा को बिल्कुल नशा मुक्त बनाने की पूरी कोशिश में है और हम बनाकर ही रहेंगे।